हेलो, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही प्यारा डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। जीरो से पाई अपॉन टू लिमिट दिया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लॉग साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन प्रॉपर्टीज का इसमें यूज होगा, क्यों यूज होगा, स्टेप वाइज धीरे धीरे आप देखते जाइएगा, आपको समझ में आते जाएगा। आप लोगों को यह बेसिक प्रॉपर्टीज पहले से मालूम भी होगा। जिन बच्चों को मालूम नहीं है उनको एक बार याद दिला दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, a से b एफ एक्स डी एक्स और x को मैं t में चेंज किया तो a से b एफ टी डी टी लिखा जाता है। एनी डाउट? ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है। ओके, प्यारे बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टीज, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स ये भी आप पढ़े होंगे, भूल गए होंगे तो मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होने वाला है, जो आपको याद भी जरूर होगा, जीरो से टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये टू कहां आ जाता है प्यारे बच्चों? यहां जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स होता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होता है कि इतना इसके इक्वल तभी हो सकता है जब एफ टू ए माइनस एक्स, टू ए का मतलब एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ गया तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो पहले तो जब भी इसका यूज करना होगा तो यह जरूर चेक करेंगे, यदि इसको सेटिस्फाइड किया, संतुष्ट किया, तो इस प्रॉपर्टीज का यूज किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, इतनी बेसिक बात यदि आपको रिवाइज हो चुका होगा, जो बच्चे यदि भूल गए होंगे तो ये यदि आपके माइंड में चला गया तो मैं इसमें अब आगे बढ़ने जा रहा हूं। एनी डाउट? किसी को कोई ये दिक्कत नहीं है? वन टू थ्री, एनी डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर? इसको मैं मान लिया इक्वेशन वन और मैं अब यूज करने जा रहा हूं सेकेंड का। ऐसा मैंने कैसे लिखा? अरे भाई, जीरो से ए, जीरो से ए, ए का मतलब पाई अपॉन टू, तो यहां पर ए माइनस एक्स लिखा जा सकता है किसके जगह पर प्यारे बच्चों?
एक्स के जगह पर, तो जहां पर एक्स था वहां पर मैंने क्या लिखा, पाई बाई टू माइनस एक्स। एनी डाउट, एनी डाउट प्यारे बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा जो रहता है, तो क्लास टेंथ में आपने पढ़ा क्या है, कॉस थीटा। ये बेसिक बात, प्यारे बच्चों इतनी बातों में शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आपका परमिशन है तो मैं इसको इरेज कर सकता हूं और फिर इसके प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो ये सारे आपके माइंड में चले गए होंगे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। एनी डाउट? तो आगे हम बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों इक्वेशन वन में टू को मैं ऐड कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं और ऐड कब होते हैं? यदि दोनों अपर और लोअर, लोअर और अपर लिमिट जो है, लोअर अपर लिमिट सेम है तो ऐड किया जा सकता है, और ऐड करने से log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू एन लिख सकते हैं, log का बेसिक प्रॉपर्टीज है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उसको ब्रेक करते करते उसको सिंपल फॉर्म में लाए। तो प्यारे बच्चों आई प्लस आई, टू आई प्यारे बच्चों लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, इतना तो आ गया। लेकिन मैंने क्या बताया है कि बचपन से हम लोग पढ़े हैं किसी का सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये तो इतना हो गया। लेकिन यदि अगले स्टेप में यदि मैं बढ़ूंगा, इसमें टू से मल्टीप्लीकेशन और टू से डिवाइड कर दूंगा तो एक बेनिफिट होगा। अरे भाई अभी तक आपको साइन इंटू कॉस दिखाई दे रहा है, और टू से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो साइन टू एक्स होगा। अभी तक साइन भी है कॉस भी है, लेकिन केवल साइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेसिक बातें? तो अगले स्टेप में जो आप करेंगे वह मैं यही कर सकता हूं, किसी को कोई डाउट नहीं। क्यों किए मैंने रीजन भी दिया। प्यारे बच्चों ऊपर कितना हो गया साइन टू एक्स, लॉग एम बाई एन आपको मालूम है, क्या मालूम है? किसी भी अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक पहले की बातों को जानना जरूरी है, और बच्चे आप लोग जानते भी होंगे इतनी गारंटी है। कुछ बच्चों की प्रैक्टिस में कुछ कमी होगी तो उनको बीच बीच में मैं फॉर्मूला को याद भी दिला दे रहा हूं। प्यारे बच्चों अब मेरे को क्या मिला,
प्यारे बच्चों हमें क्या मिला, 2i इक्वल टू क्या मिला प्यारे बच्चों, log साइन 2x dx माइनस log 2dx। इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग बना सकते हैं, log 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया और dx का इंटीग्रेशन x। लेकिन प्यारे बच्चों इसके बारे में चर्चा करना है कि ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है कि ये क्या है। तो प्यारे बच्चों इसको मैं आई वन मान ले रहा हूं, क्या मान ले रहा हूं, आई वन। आई वन मतलब ये आई है तो एक नया नाम दे दे रहा हूं, पहले इसको सोल्व कर ले रहा हूं। ये तो सोल्व हो गया, dx का कितना जी x, तो अपर माइनस लोअर इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, तो ये तो सोल्व हो जाएगा, एक ही साथ सोल्व करेंगे। इसको मैंने कुछ नाम दे दिया इक्वेशन a, कुछ कोई भी नाम ले सकते हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए कि ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं साइड में सोल्व कर रहा हूं, लेट साइन 2x को ये जो दिया है इसमें से 2x को मैं t मान रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? अरे भाई t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसी के जैसा दिखाई देने लगेगा। देखिए तो यहां x है ना, मतलब 2 से मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों 2x इक्वल टू मैंने t सब्स्टिट्यूट किया तो सारे अब t के फॉर्म में हो जाएंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? क्लियर है? तो dx कितना हुआ प्यारे बच्चों? ये हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा जब इसको t में चेंज करेंगे तो ये हो गया कितना प्यारे बच्चों, dt अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 dt, रीड आउट, log साइन 2x है, 2x को मैंने t माना है, साइन t हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? लेकिन ये लिमिट भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये x में था अब t में हो गया, तो बोलो ना भाई x का वैल्यू 0 तो 2 इंटू 0। अरे भाई लोअर पुट करेंगे तो t का लोअर मिलेगा, अपर पुट करेंगे तो t का अपर मिलेगा। x के जगह पाई बाई 2 पुट कीजिए तो 2 इंटू पाई बाई 2, तो t बराबर कितना मिला, t बराबर मिला प्यारे बच्चों पाई। तो आपको यह समझ में आया कि I1 जो हुआ इस फॉर्म में हो गया, रीड आउट, I1 मेरा क्या हुआ इस फॉर्म में हुआ। प्यारे बच्चों यदि यह बेसिक बात आपको समझ में आ चुका है तो अब हम लोग फाइनल रिजल्ट के तरफ बढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों क्या मिला मेरे को,
वन अपॉन टू अब आते हैं शुरू के स्टार्टिंग कुछ पॉइंट पर। क्या मैंने आपको ऐसा बताया है? लेकिन ये कब होता है? ये चेक करना पड़ता है कि एफ टू ए माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। टू ए क्या है? ये है। तो इस क्वेश्चन का टू ए क्या है? इस क्वेश्चन का टू ए क्या है? पाई है। अरे भाई, जीरो से जीरो, टू ए कितना है? पाई। तो चेक कीजिए, यहां पर कितना रखेंगे? टू ए माइनस एक्स, टू ए मतलब पाई माइनस एक्स। तो अब एक्स नहीं है इसमें, टी है। नहीं समझ में आया? एक्स नहीं है, क्या है? टी है। तो क्या होगा बच्चों? देखिए, तो मान लीजिए कि एफ टी में ये फंक्शन दिया है, कितना? और क्या चेक करना है? टू ए माइनस टी। अरे भाई, एक्स में था तो एक्स चेक करते थे, टी में है तो क्या चेक करेंगे? टी। तो टू ए है, लेकिन टू ए के जगह पर क्या लिखेंगे? टू ए, यहां लिखेंगे पाई। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब जो टी दिया है, साइन में क्या होता है भाई? ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, आप चेक कर लीजिए कि जो एफ टी था वही एफ पाई माइनस टी आ चुका है। इसका मतलब है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जब ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? यहां पर टू बाहर आ जाता है। तो टू कैसे आएगा? यहां पर पाई दिया है। अरे भाई, पाई दिया है तो पाई को कितना लिख सकते हो? सारे लोग बोलो। अरे भाई, पाई को लिख सकते हो टू इंटू पाई बाई टू। एनी डाउट? धीरे धीरे चीजों को समझिए भाई। यहां पाई दिया था तो पाई को मैंने क्या लिखा? कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों लिखें? ये टू जो है बाहर आ जाएगा। अब पहले से क्या दिया है प्यारे बच्चों? वन अपॉन टू, और ये टू बाहर आ गया। कैंसिल टू इच अदर, प्यारे बच्चों ये आई वन क्या आ गया? जीरो से पाई बाई टू साइन टी डी टी। एनी डाउट? किसी को कोई एतराज, कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, ध्यान से बातों को समझिए। तो मेरे को आई वन क्या मिल चुका है? और प्रॉपर्टीज वन क्या कहता है? टी के जगह एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आया? प्रॉपर्टीज वन, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, टी के जगह एक्स लिखिएगा तो कोई अंतर नहीं है, ये इसके इक्वल ही होगा। ये तो बेसिक बात है। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अब आपके चेहरे पर स्माइल आ गया। कैसे?
जो आई वन है वही आई है, जो आई वन है वही आई है, देख लीजिए, जो आई वन है वही आई है। इसका मतलब यह हुआ कि आई वन आई के इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है क्यों? तो आपको एकदम आराम से बता रहे हैं समय लेकर। उद्देश्य यही है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को केवल सोल्व करना उद्देश्य नहीं है, कैसे रास्ते तय करना है। आई वन किसके इक्वल आ गया? आई के। तो भाई यही तो आई वन था, कहां गया जी आई वन? प्यारे बच्चों आई वन किसको मैंने माना था? इसको, इसको मैंने आई वन मानकर देख लीजिए और आगे बढ़ाया था। तो इक्वेशन ए में अब रख दीजिए, मेरे को आई निकालना था और सोल्व हो चुका है। नहीं समझ में आया, फाइनल आंसर ला दे। ओके प्यारे बच्चों, सारे लोग बोलिए, इसको मैंने क्या कंसीडर किया था? आई वन, ये तो बन चुका है। आई वन क्या है? आई है, और ये तो बेसिक है। क्या मैंने बताया था? अपर माइनस लोअर। इधर लाइए, ये कितना हो गया? पाई बाई टू लॉग टू, टू आई माइनस आई, और आई क्या है प्यारे बच्चों? ये आई ही तो ये क्वेश्चन है, और इसी का आंसर कितना बोलिए प्यारे बच्चों, सारे लोग बोलिए, माइनस पाई अपॉन टू लॉग टू। बच्चों इस क्वेश्चन को बताने का उद्देश्य या किसी भी प्रॉब्लम और थ्योरी को उद्देश्य यही रहता है कि उसके रास्ते कैसे तय होंगे, वह कहना क्या चाह रहा है। इसके लिए कुछ सेकंड तक इसको ध्यान दिया जाता है, और आपको कोई अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलते हैं तो आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बेसिक्स प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले के यूज भी होते हैं, और ये सब कैसे माइंड में रहेंगे। तो दुनिया में सफल होने का, चाहे किसी भी सेक्टर फील्ड में, सबसे बेहतर तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको धीरे धीरे पता चलते जाएंगे कि किस क्वेश्चंस में क्या करने हैं, और प्रैक्टिस करते करते आपको बहुत सारे फॉर्मूले क्या होते हैं, आजीवन याद हो ही जाते हैं, आप नहीं भूल सकते हैं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए, जब भी समय मिलेगा वीडियो के माध्यम से आप तक कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ देने का प्रयास रहेगा। ओके, थैंक यू।